तो गाइस आपको पता ही होगा, आपने पिछले एपिसोड में इस पूरे के पूरे ओशन मॉन्यूमेंट को ट्रांसफर किया था। अब देख ही सकते हो पीछे कितना अच्छा लग रहा है। अबे वैसे गिरता मरता रहता हूँ हमेशा, वैसे और इन दो। तो आज के एपिसोड में, वैसे आज है सोमवार, तो आज के एपिसोड में हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही बड़ा शिवलिंग। ओहो शिवलिंग यार, सोमवार है और श्रावण भी चालू हो गया है तो पता है ना। तो फिर आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत बड़ी शिवलिंग, तो उसके लिए चलते हैं फिर। गाइस शिवलिंग ना पूरा का पूरा ब्लैक स्टोन से बना होता है, तो हम लोग इसमें ब्लैक कॉन्क्रीट का यूज करेंगे। तो मेरे पास कॉन्क्रीट बहुत सारा है ब्लैक, आपको दिखाता हूँ। ये देखो इतना सारा मेरे पास कॉन्क्रीट है, पर ये भी कम पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा बनाने वाला हूँ मैं शिवलिंग। तो सबसे ज़्यादा ब्लैक कॉन्क्रीट ही लगने वाला है, तो इधर समुद्र क्या है ऊपर बनाऊंगा एकदम टॉप पर। तो यहाँ से मैं पहले उसकी चौड़ाई वो देखूंगा, बाद में उसको करेंगे बड़ा। पहले उसका पाव बनने दो जिसके ऊपर वो शिवलिंग पूरा खड़ा रहेगा। तो जल्दी से बीच में एकदम अपने ओशन मॉन्यूमेंट के बीच में बनाऊंगा सामने एग्जैक्ट। तो चलो फिर मैं काम पे लग जाता हूँ। गाइस मैंने उसे शेप तो दे दिया है, तो देखो ए प्लस जैसा शेप। तो अभी इसको एकदम चौकोन चौकोन तो सा गोल ही गोल बनाने की ट्राई करूँगा, तो उसे भी जल्दी कर लेता हूँ मैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर इसको पूरा का पूरा गोल बना दिया, रुको आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखो, अबे यार ये कहाँ से गोल लग रहा है यार, मैंने इसे तो गोल ही बनाया था यार। वैसे देखो तो अच्छा लग रहा है, तो अभी और काम करना है तो जल्दी से वो काम कर लेते। गाइस 10-12 पागलों की हरकतें करने के बाद मैंने फाइनली इसका आधा आधा से भी कम लगता है वो चीज़ बना ली है। तो देखो इतना बन गया है, मैंने गलती से यार नीचे लगाने लगा था। यार मेरे साथ ही ज़िंदगी में ऐसा होता है। ऐसे आपको सामने से दिखाता हूँ कैसा लग रहा है इसके पाँव पहले अपने शिवलिंग के। ओहो अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम मज़ा आ गया भाई साहब। तो यहाँ से सामने से भी देखना पड़ेगा, रुको सामने से मेन देखने का। ओ भाई साहब अच्छे लग रहे, कितने अच्छे लग रहे हैं गाइज, ये देखो भाई साहब ओपी। और अभी ऊपर भी बनाना है तो जल्दी से बनाने चलते हैं। गाइज जो हमने नीचे दौड़ा है ना, वैसे आप ऊपर भी ऐसे करना है, तो इसमें आपका दिमाग नहीं खाना चाहता मैं, तो जल्दी से देख लो आप अभी। तो गाइस ये देखो कुछ ऐसा लग रहा है, गोल नहीं है पर देखो सामने से देखने पर अच्छा लगेगा और ऊपर से भी देखने पर अच्छा लगेगा, एकदम अच्छा ही लगने वाला है क्योंकि यार शिवलिंग है ये, सादा नहीं है शिवलिंग है, अच्छा लगेगा ही। तो और हमको भाई सब कंक्रीट की ज़रूरत पड़ने वाली, तो जल्दी से मैं कंक्रीट बना लेता हूँ यहाँ से। अपने पास सैंड ग्रेवल सब कुछ है यार, जल्दी बना लेता हूँ मैं कंक्रीट। बस गाइस हमको बस इनको पहनना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ से मैं बहुत सारे इनको पेल देता हूँ। गाइस शिवलिंग के यहाँ पे आगे जो पानी जाने के लिए जगह होती है, देखो उसका एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं क्या कहते हैं, पर देखो इस सामने जो पानी जाने के लिए जगह होती है ना, उसको बना रहा हूँ मैं। तो जल्दी से ये सब कुछ कंप्लीट करके मिलता हूँ मैं आप लोगों से। गाइस आप इस पूरे शिवलिंग को बस भरना है, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इतना सब कुछ करने में, तो जल्दी से मैं मिलता हूँ आप लोगों से। गाइस शिवलिंग का बस अपना टीका लगाने का भाग हो गया, बस रहा था वो भी हो गया है। अभी जल्दी से इनको धीरे 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 तोड़ूंगा क्योंकि भाई साहब मतलब टूटना नहीं चाहिए अपनी शिवलिंग। तो यहाँ से देखो गिरा ही साला, मैं गिरता मरता रहूँगा। तो यहाँ से जल्दी ऊपर चलते देखते कैसा लगेगा। तो ऊपर और ऊपर, ओ अपने शिवलिंग भी तैयार हो गए गाइस। तो
चलो उसको समुंदर के अंदर सामने से देखेंगे, सामने से लुक लुक सामने से ही आती है। रुको थोड़ा सामने से, ओहो सही यार शिवलिंग एकदम अच्छी लग रही है एकदम। मुझे लगा था उसी अजीब सी होएगी पर नहीं, शिवलिंग देखो कैसी लग रही है गाइस। ओहो बहुत बड़ी शिवलिंग बनाई है मैंने, तो अब सो भी लेते हैं और सुबह मिलता हूँ मैं, सुबह भी देखेंगे। अबे ऐसे साइड से देखो आई सब गाइस, मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी है पर मैं ज़रा फैक्ट्स वाले चैनल की तरह बात करता हूँ अभी। तो अगर आप रियल शिव शिवा के भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।